मात्र 10 से 15 रुपए का आपको मिल जाएगा। कोजिक एसिड क्रीम भी अपने फेस पे डेली बेसिस पे लगा सकते हो। तो आपको फेस वॉश का यूज करना बंद कर देना है बिल्कुल ही। गाइस जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के इस धमाकेदार वीडियो में 8 ऐसे हैक्स लेके आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, जिनसे आप लोग अपने आप को ग्लो अप कर सकते हो, जी हाँ, इंस्टेंटली और कुछ दिनों के अंदर दोस्तों आपको ये सारे हैक्स रिजल्ट दिखाने लग जाएंगे। वीडियो के अंत तक आते आते आपको पता चल जाएगा कि इन सारे हैक्स का इस्तेमाल कहां मैंने किया है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सबसे पहले जो हैक आता है मेरे भाइयों वो है पिंपल का दी एंड, वो भी इंस्टेंटली। कैसे? आप लोग जानते हो कि अगले दिन पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, लेकिन उससे एक दिन पहले ना हमें पिंपल जरूर होते हैं। आप किसी भी ब्यूटी स्टोर पे जाओ, वहां पे आप लोगों को दोस्तों एक नीम का पाउडर मिलता है, मात्र 10 से 15 रुपए का आपको मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का। करना क्या है आपको, जहां पे आपके पिंपल हो बस उस जगह पे आपको इसे लगा के रखना है और ओवरनाइट छोड़ देना है। प्रोसेस बनाने का एकदम आसान है। पाउडर जो आएगा ना, बस उसमें पानी की जगह आप गुलाब जल को यूज करना और मिक्स करके अपने उस जगह पर लगा देना जहाँ आपके पिंपल है, और पूरी रात भर से छोड़ दो। अगर आपके पूरे फेस में है तो आप पूरे फेस में भी सप्लाई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है, जिससे आपके फेस में इंस्टेंट ग्लो भी आएगा। अब आप लोग देखना, जब आप पूरी ओवरनाइट से लगाओ छोड़ दोगे तो अगले दिन जब आप सुबह उठोगे ना, तो आप नोटिस करना कि भाई मेरे जो पिंपल हो रहा था उसकी इन्फ्लेमेशन यानी सूजन जो उसमें हो रखी थी वो कम हो गया, उसका साइज कम हो गया और बिल्कुल अब इतना ज्यादा नहीं दिख रहा। सेकंड जो हैक आता है वो है हमारा डार्क स्पॉट्स के लिए। अब आप लोगों ने की नोटिस करी होगी कि जब भी आप लोग पिंपल आपके फेस से खत्म होते हैं तो वो आपको गिफ्ट देके जाते हैं डार्क स्पॉट्स का, जो कि हमारे फेस की पूरी रंगत को खत्म करता है। आप लोगों को सबसे पहले तो डेली बेसिस पे ना लाइम वाटर कंज्यूम करना है। लाइम वाटर के अंदर विटामिन सी होता है जो कि हमारे डार्क स्पॉट्स को फेड करता रहता है। ये तो हो गया दोस्तों आपकी टिप। अब आपको इसे जल्दी से खत्म कैसे करना है, तीन बातें ध्यान से सुनो। पहले आप चीज नोटिस करो कि आपका जो डार्क स्पॉट्स है वो हुआ कैसे, पिंपल की वजह से हुआ है या आपके सन डैमेज की वजह से हुआ है। जैसे आपको ये दो चीज़ें पता चल जाए, आपको पहला स्टेप उठाना है कि आपको भाइयों सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश यूज़ करना शुरू करना है। सेकंड, आपके पास होना चाहिए कोजिक एसिड सीरम, या फिर दोस्तों आप लोग कोजिक एसिड क्रीम भी अपने फेस पे डेली बेसिस पे लगा सकते हो, जिससे वो डार्क स्पॉट और जल्दी फेड होगा। और तीसरा सबसे बेस्ट तरीका मेरे भाइयों की, आप लोग को डेली बेसिस पे सनस्क्रीन लगानी है दिन में 2 बार, और इस बीच आप ध्यान रखना कि बिल्कुल भी जंक फूड ऑयली फूड आपको नहीं खाना और वाटर इनटेक आपको अच्छी रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों वो है हेयर प्रॉब्लम्स। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हमारे बाल इतने कमजोर हो चुके हैं कि जरा सा स्ट्रेच करने पे बीच से टूट जाते हैं, रूट्स एकदम कमजोर हो चुके हैं, बाल एकदम ड्राई डैमेज फ्रिजी और उलझे हुए लगते हैं। ये सबसे बड़ा संकेत है कि आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारे मेजर हेयर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। इसी के लिए भाइयों, इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा मामाअर्थ का न्यूली लॉन्च हिबिस्किस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल विद हिबिस्किस एंड करी लीव्स। ये हेयर ऑयल आपके डैमेज बालों को रिपेयर करता है, साथ ही साथ दोस्तों आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और रूट्स को नरिश करता है। इस ऑयल का रेगुलर यूज करने से आपके ड्राई डैमेज बाल दोस्तों एकदम नरिश लगेंगे, मजबूत हो जाएंगे। और आप अगर इसके बेस्ट रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप लोग इसे यूज करो मामाअर्थ के हिबिस्किस डैमेज रिपेयर शैम्पू के साथ। ये दोनों प्रोडक्ट कॉम्बो में एकदम बेस्ट वर्क करते हैं। मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव। मामाअर्थ के सारे ही प्रोडक्ट्स आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नाइकन, पर्पल पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको 20% ऑफ चाहिए तो आप लोग मेरा प्रोमो कोड यूज करो BFIT2024, आपको 20% ऑफ मिलेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड ऐप पे। बाकी लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, गो एंड चेकआउट। फोर जो पॉइंट आता है मेरे भाई वो है बियर्ड ग्रोथ। आप लोगों ने देखा होगा कि एक लड़के से मेंस में कन्वर्ट होने के लिए दोस्तों हमें मैच्योरिटी के साथ एक बियर्ड का लुक आना भी बहुत जरूरी है। मेरे बहुत सारे भाई पूछते हैं कि वो बियर्ड ही नहीं आती थी, अचानक से कैसे आने लगी, तो मैंने क्या टिप्स फॉलो किए। पहली चीज, सबसे पहले बियर्ड ग्रोथ आने के लिए आपके छोटे छोटे बाल आने आपके फेस में जरूरी है। आपको नाई वाले के पास जाना है, जो भी आपके वो रुए जैसे बाल आए ना उन पे आपको सरा लगवाना है, और नाई वाला ही करेगा, घर में ट्रिमर मत मारना वरना नहीं आएगी बियर्ड, नाई वाले से ही तरह लगवाना। जब आप लोग ऐसा करने लग जाओगे, जैसे आपके बाल आ रहे हैं आप उस तरह लगवा रहे हो, जैसे आपके बाल आ रहे हैं आप उस तरह लगा रहे हो, तो आप देखना within 2 to 3 months में आपके जो बाल है वो पहले से ज्यादा सख्त आने लग जाएंगे, और जहां जहां आपके बालों की ग्रोथ नहीं थी वहां भी आपके बालों की ग्रोथ होने लग जाएगी। साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपकी बियर्ड आ चुकी है और आपकी क्वालिटी को एनहेंस करना है तो बियर्ड वॉश और बियर्ड ऑयल, ये दो चीजें आप लोग लगाना शुरू करो, आपकी बियर्ड और अच्छे से ग्रो भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है ड्राई स्किन का। ड्राई स्किन बहुत ही गंदी प्रॉब्लम होती है भाइयों, और इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत ही कम मिलते हैं मार्केट में। बट अब आपको करना क्या है, जिन लोगों की ड्राई स्किन है, सबसे पहली चीज भाइयों आपको फेस वॉश का यूज करना बंद कर देना है, बिल्कुल ही बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि ड्राई स्किन में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी स्किन से मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाता है, हाइड्रेट हमारी स्किन नहीं रहती, रूखी सूखी रहती है, जिसकी वजह से आपके जो पोर्स हैं वो और बड़े बड़े दिखते हैं,
जो फेस में गड्ढे होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, वो और गंदे दिखते हैं। यही काम आते हैं दोस्तों क्लेंजर्स। आप लोगों को क्लेंजर दिन में 2 से 3 बार अपने फेस पे अप्लाई करना है, जिससे आप लोगों के फेस में हाइड्रेशन बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी, हाइड्रेशन लॉक रहेगी और आपकी स्किन ड्राई नहीं रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है ऑयली स्किन। अब ऑयली स्किन से मेजोरिटी में टीनेजर्स बड़े परेशान होते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि भाई इस ऑयली स्किन को आखिर मैं खत्म कैसे करूं। सो आपको करना यह है कि आपको लानी है मुल्तानी मिट्टी, बहुत सस्ती, 10 रुपए 15 रुपए की आ जाती है, 20 रुपए का पाउडर मिल जाता है। आपको क्या करना है, एक रूटीन बनाना है अपना कि हफ्ते में 2 से 3 बार आपको अपने फेस में मुल्तानी मिट्टी लगा के रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो 8 बजे अपने स्कूल निकलना है, 7 बजे स्कूल निकलना है, या 8 बजे कॉलेज निकलना है, जॉब पे निकलना है, 1 घंटा पहले आप लोग अपने फेस में मुल्तानी मिट्टी लगा के रखो। मुल्तानी मिट्टी जैसे ही अपने फेस पे लगाओगे तो आप लोग देखना कि उस पूरे दिन में ना आपको एज कम्पेयर टू अदर डेज के मुकाबले ऑयल बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि मुल्तानी मिट्टी के अंदर पावर होती है कि वो आपके फेस से सारा का सारा ऑयल खींच लेता है भाइयों। और आप लोग देखना कि जैसे जैसे आप मुल्तानी मिट्टी यूज करना शुरू करोगे, आपकी स्किन बहुत ही चमकती जा रही है, क्योंकि ऑयल गंदा आपके फेस से नहीं आएगा, धूल मिट्टी ज्यादा नहीं चिपकेगी और हाँ पिंपल्स भी नहीं बनेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है मेरे भाई वो है हमारा डार्क सर्कल्स का। अब डार्क सर्कल दोस्तों आजकल बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं, लेकिन अब के टाइम में हम छोटी सी उम्र में ढेर सारी टेंशन पाल के बैठे रहते हैं। विदाउट स्लीप और विदाउट डाइट भाइयों आपके डार्क सर्कल्स कभी ठीक नहीं हो सकते, इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। चाहे आप कोई सा प्रोडक्ट ले लो, कोई से भी ट्रीटमेंट करा लो। अब आपको एक प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करता हूँ, वो है आई पैच। आई पैच लगाना शुरू करो, काफी अच्छे होते हैं। बहुत सारी कंपनियां आई पैच बनाती है, जो आपके बजट में हो वो लगाओ। आई पैच के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक सीरम्स होते हैं, तो जब आप इन्हें अपने आंखों के नीचे लगा के रखते हो 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद सीरम बसता है आपकी आंखों के नीचे। उस सीरम से आप जब मसाज करोगे ना, तो आपके जो डार्क सर्कल का नीचे वाला एरिया काला पड़ा हुआ है धूप की वजह से, किसी अदर रीजन की वजह से, धीरे धीरे करके उसका कालापन छूटने लगता है। तो अगर आपके भी डार्क सर्कल्स है, पहले नींद, फिर डाइट और फिर ये प्रोडक्ट लगा के देखो। अब लास्ट जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है स्किन ग्लोइंग। जी हाँ मेरे भाइयों, हर लड़का चाहता है मेरी स्किन ग्लो करे, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप 2 चीज़ें यूज कर सकते हो तो करना। सबसे पहला आता है भाइयों शीट मास्क। शीट मास्क एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, थोड़ा सा महंगा आता है, लाइक 70 से 100 रुपए के बीच में मिल जाता है, लेकिन शीट मास्क बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपको करना क्या है, अपने फेस में शीट मास्क लगा के रखो वो 10 मिनट तक, और 10 मिनट बाद जब आप शीट मास्क निकालोगे तो जो बचा हुआ सीरम होगा उसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे मसाज आपको करना है, और देखना आपके फेस में बहुत ही गजब का ग्लो आएगा। चलो ये तो हो गई शीट मास्क वाली बात, अब बात करता हूँ दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप है दोस्तों आपको करना क्या है कि स्टेप नंबर 1, अपने फेस को हल्का सा गीला करके अपने फेस में स्क्रब को पूरा स्प्रेड कर देना है और हल्का हल्का मसाज करना। स्टेप नंबर 2 में आपको करना है कि आपको एक भाप लेनी है अपने फेस पे, चाहे आप लोग दोस्तों बर्तन में पानी डाल लो उसकी भाप ले लो, या फिर ये स्टीम मशीन भी आप लोग लिख सकते हो, ये भी आराम से आपको 1000-1100 रुपए की अमेजोन पे मिल जाएगी। और बस पूरे फेस में स्टीम 1 से 1.5 मिनट लेने के बाद आपको मसाज करना, ठंडे पानी से धो देना है, और आप लोग देखना आपको क्या गजब का ग्लो मिलता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। लव यू, जय श्री राम, दुआओं में याद रखना।